हम आपको बताएंगे कि किस नेता ने कश्मीरी महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक की, जहां से सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राहुल गांधी के इस्तीफे का प्रस्ताव पास हो गया है और कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर मुकुल वासनिक, सुशील कुमार शिंदे, मल्लिका अर्जुन खड़गे और मीरा कुमार के नाम पर अटकल का दौर तेज हो गया है। इस बैठक पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बाहर निकलते हुए देखा गया। उनका कहना कि वो नए अध्यक्ष चुनने को लेकर प्रक्रिया में शामिल नहीं है, वो इस विचार विमर्श का हिस्सा नहीं है, उनका नाम गलती से इस लिस्ट में डाल दिया गया था। इस बैठक में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रियंका को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की। अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जिनका कश्मीरी महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब हरियाणा के लोग भी कश्मीरी बहू ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री ओपी धनकर कहते थे कि वो बिहार से बहू लाएंगे। लोग आजकल कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है, अब हम कश्मीर से लड़कियां लाएंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सीएम खट्टर ने ये बयान फरीदाबाद में एक कार्यक्रम में दिया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही नसीहत दी थी और पाठ पढ़ाया था, फिर भी विवादित बयानबाजी जारी है। इससे पहले यूपी के एक विधायक ने गोरी कश्मीरी लड़की जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था कि पार्टी के कार्यकर्ता अब गोरी कश्मीरी लड़कियां भी शादी कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्रवार को रिलीज हुई जबरिया जोड़ी की, जिसने रिलीज के पहले दिन ही शानदार प्रदर्शन किया। पहले दिन ही 3.25 करोड़ रुपए से ओपनिंग की। आपको देखने जाना है तो जाइए, देखने में मनोरंजक फिल्म होगी और आने के बाद पढ़िए, नहीं जाना है तो फिर नहीं जाइए, लेकिन जाकर पढ़िए। तर्क और विचार जरूरी है, सीखिए, कुछ सोचने बैठिए। आप खुद को जब सही समझने लगे तब समझ जाइए आपको भी बहुत कुछ समझना बाकी है। चलिए अब मिलते हैं पूप लाइफ के अगले एपिसोड में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ताजा तरीन खबरों